चलो देखो, अपने दो संकरण पढ़ लिए थे, कौन सा, एक एस पी थ्री बटन एक एस पी टू बटन। अपने बोला कि एस पी थ्री है उसमें तीन पी और एक एस, ठीक है ना, तो मतलब कार्बन के बाह्यतम कोष के तीनों ही पी चले गए और एक एस चला गया, तो पीछे कोई पी रहा क्या? नहीं, इसलिए एस पी थ्री के पास अपने बोला पाई बॉन्ड नहीं होते, सारे सारे क्या होते हैं, सिग्मा। अपने बोला जो संकरित कक्षक होते हैं ना उससे केवल एवं केवल कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बनता है, कौन सा बनता है, सिग्मा, ठीक है ना, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, वो एक जगह पे है, मैं बताऊंगा वहां पे पाई बॉन्ड बना, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बात की थी, फिर अपने sp2 की, तो sp2 में अपने क्या बोला, एक s और दो p, दो p भाग लिए, पीछे एक p रह गया था कि नहीं रह गया, तो एक p रह गया था, उससे क्या बना था, पाई बॉन्ड, और उसने कौन सी अतिव्यापन किया था, पार्श्व अतिव्यापन, कौन सा किया था, पार्श्व, जब पार्श्व अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बना था, इसलिए अपने बोला कि जब भी कार्बन का संकरण sp2 होता है तो उसके पास एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है बेटा, एक पाई बॉन्ड होता है। अरे ये बात की थी कि नहीं बती, चलो उससे आगे अपन बात करते हैं, उससे आगे, तो उससे आगे क्या बात है, उससे आगे बात करते हैं sp संकरण की, किसकी बात करते हैं, अपने एक और नाम बोला था कि भाई sp3 संकरण को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, और sp2 को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, तो sp को क्या बोलेंगे, लीनियर, या तो बोलेंगे लीनियर या क्या बोलेंगे, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इससे रेखीय संकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रेखीय संकरण, क्या कहेंगे बेटा, रेखीय संकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के संकरण में केंद्रीय परमाणु, मतलब जिसका अपन संकरण निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सी ए, क्या लिखेंगे, सी ए, के एक एस कक्षक, मतलब भाई तो ये एस कक्षक कौन सा होगा, संयोजी कोष का, कौन सा होगा, जैसे मैं कार्बन के लिए बात करूं, कौन सा, देखो जैसे कार्बन, तो कार्बन के कौन सा होगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी कितना हो गया, टू, तो ये वाले दोनों भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, एक एस एस, ये जो एस है कौन सा है, टू एस है, कौन सा होगा, 2s कार्बन के लिए, वह एक p कक्षक, और एक p कौन सा होगा, 2p का, कौन कौन सा हो सकता है, 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, और 2pz, कोई भी एक होगा, कक्षक मिलकर sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब कितने कक्षक भाग ले रहे बताओ, दो, तो संकरित कक्षक भी कितने बने, दो, तो इसका मतलब ये इसमें ns, और कार्बन के लिए कौन सा हो गया, 2s, और एक 1p, मतलब 1p कौन सा हो गया, npx हो सकता है, क्या हो सकता है, np, और या क्या हो सकता है, npz। जब ये जाएगा तो पीछे कौन से रह जाएंगे बेटा, पीछे ये रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा रहेगा, वाई, और कौन सा रहेगा साथ में, जेड, इसके लिए इसमें कौन सा रह जाएगा, एक्स, और एक्स प्लस कौन सा रह जाएगा, जेड, ये रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे पीछे, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी एक्स और पी वाई। अब देखो तो कितने पाई रह रहे हैं इसके पास, दो, और ये पाई कौन सा अतिव्यापन करेंगे, पार्श्व, इसका मतलब जब भी एसपी किसी का एसपी संकरण है तो उसके पास कितने पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, दो, कितनी की, दो, समझ में आया क्या, तो इसमें ये भाग लेके कौन सा संकरण हुआ, एसपी संकरण, ये क्या हुआ, एसपी संकरण। अब एसपी संकरण में कितने कक्षक होंगे, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, दो, इसका नाम भी एसपी और इसका नाम भी, तो एचओ बराबर कितने हो जाएंगे, दो, क्यों होंगे एचओ दो, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल भी कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो, एक एस और एक पी, क्या समझ में आया। अब इसको कार्बन के लिए देते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं। अब मैंने बोला देखो क्या हुआ, चलो इस साइड देखो, ऐसे कैसे हुआ, अब देखो अपने क्या किया, ये एनएस ऑर्बिटल है, कौन सा बेटा, और ये कौन सा है, एनपी, अब ये एनपी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एनपी एक्स हो सकता है या कौन सा होता है, एनपी वाई हो सकता है या एनपी कौन सा होता है, जेड, तो ये संकरण के अंदर भाग लेंगे तो कितने संकरित कक्षक बनेंगे, दो, तो ये इसका नाम भी क्या हो गया, एसपी संकरित कक्षक, और ये भी कौन सा हुआ, एसपी, तो कितने भाग लिए, दो, इसमें देखो ये एक लूप है ना, इसको संकरित कक्षक लूप ऐसे है कि नहीं है, ये कौन सा हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अलग यार है कि नहीं है, एक छोटी लूप और एक क्या होगी, बड़ी लूप, बड़ी लूप हमेशा किसका निर्माण करेगी, बॉन्ड का निर्माण करेगी, तो यहाँ पे ये हो गए। अब देखो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180, कितने का होगा, 180, जैसे ये ऐसे देखो एस और पी भाग लेंगे तो ऐसा बनेगा ऑर्बिटल, समझ आई बात, ये देखो एक लूप और ये दूसरी लूप, कैसी लीनियर दिख रही है, नहीं दिख रही, इसके और इसके मध्य का एंगल कितना होगा, 180, क्यों, पूरा सराउंडिंग कितना होता है, 360, उसमें देखो बॉन्ड ऐसे व्यवस्थित होना चाहेंगे जिसमें रिपल्सन कम हो, अब ये रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, तो अपन ऐसे एंगल बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एंगल बढ़ रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे कितना हो गया, 180, अब 180 से जैसे ही कम करेंगे तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर से तो बढ़ रहा है पर इधर से तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180, मतलब थीटा बराबर निकालने का क्या तरीका होगा, 360, उसमें व्यवस्थित करना है कितने, दो का दो को, तो कितना हो गया, 180 का एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोई डाउट है क्या, पक्का,
चलो अब देखो इसके पीछे दो पी और भी तो बच जाता है कि नहीं बच जाता है, दो पी बच जाएंगे तो वो कैसे होंगे, तो ये भी कौन सा होगा एनपी कक्षक और ये भी कौन सा होगा एनपी। अब देखो इसको मैं पाई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा पाई। अब ये रहेंगे कैसे, तो ये तो ऐसे रहेंगे, तो पी कैसे रहेगा, एक पी तो रहेगा ऐसे ठीक है, और दूसरा पी ऐसे, समझ में आ रहा है क्या, मतलब जैसे ये इधर देखो इधर ये रहा, ये अपने कौन से ऑर्बिटल मान लो, ये वाले ये वाला ये ऐसे मान लो ये रहा ये और ये रहा ये दिख रहा तुम्हें, और ये जो रेड वाला ये दिख रहा है ये रेड वाला, अरे समझ आई, तो ये कौन सा होगा पी ऑर्बिटल, कौन सा हुआ पी, और ये कौन सा हुआ एसपी एसपी, और ये कौन सा हो जाएगा पी, अरे समझ में आएगा पक्का, कोई डाउट है क्या, इसका मतलब संकृत कक्षक तो दो है कि नहीं है, और असंकृत कक्षक कितने हो गए दो, और ये दोनों क्या बनेंगे पाई बॉन्ड, क्या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा पाई इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट है क्या पक्का किसी प्रकार का। चलिए आगे बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं कार्बन के लिए, किसके लिए बात करें कार्बन, तो देखो कार्बन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अपने संकरण के लिए कैसे कार्बन में संकरण कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा 2s में कितना हो गया 2, अब मैंने एक्साइटेड किया तो 1 का इलेक्ट्रॉन एक इधर गया कि नहीं गया, इसको इलेक्ट्रॉन को परमोटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन ऐसे ट्रांजिशन मतलब इसका हो गया परमोटेट बोलते हैं, परमोट किसको बोलते हैं, जब कोष सेम हो और अलग अलग कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन जा रहे, मतलब कोष संघ हो और अलग अलग उपकोषों में यदि अपन को इलेक्ट्रॉन को भेज रहे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना, क्या करना बेटा प्रमोट करना ठीक है, और यदि कोष अलग अलग हो जाए जैसे n बराबर 1 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो क्या होगा उसको बोलेंगे संक्रमण, क्या बोलेंगे संक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यदि n बराबर मैं बोलूं 2s से 2p में जा रहा है तो क्या होगा प्रमोट, और यदि 2s से 3s में या 3p में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांजिशन, क्या बोलेंगे उसको ट्रांजिशन या संक्रमण बोलते हैं, समझ में आई क्या, अपने बोलते ऐसे ही है जनरली, परंतु आपको मीन ये दिमाग में ये रखना है कि ट्रांजिशन का मतलब होता है एक कोष से दूसरे कोष में, और प्रमोट का मतलब होता है एक उपकोष से दूसरे उपकोष या एक कक्षक से दूसरे कक्षक, मतलब एन सेम होगा, एन सेम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं प्रमोट करना है, क्या बोलना, और एक कक्षक से एक उपकोष से दूसरे उपकोष में भेज दे तो उसे क्या कहते हैं संक्रमण, क्या समझ में आया पक्का, तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा संक्रमण होने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रमोट होता है, क्या होता है प्रमोट, उसके बाद क्या होगा संक्रमण, समझ में आई क्या, अरे पता है ना इलेक्ट्रॉन देखो 2s है तो 2p में जाएगा उसके बाद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है संक्रमण होगा कि नहीं होगा, चलिए समझ में आ रहा है क्या ठीक है, पता नहीं क्या ही बोल रहे ऐसा तो नहीं हो रहा नहीं। ये कौन सा हो गया 2px का 1, 2py का क्या हो गया 1 और 2pz का क्या हो गया 1, अब देखो इसमें संक्रमण में एक कक्षक जाएगा कि नहीं जाएगा p का, और p की एनर्जी क्या होगी कम और s की एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि s तो क्या चाहता है डायरेक्शनल नेचर, p क्या कर रहा है मतलब डायरेक्शनल नेचर में कमी आएगी कि नहीं आएगी p की, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो पी मतलब सॉरी डायरेक्शनल क्या पी की एनर्जी में कमी क्यों आ रही, क्योंकि वो स्टेबिलिटी कर रहा है, क्या कर रहा है अपने स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो पी क्या तो क्या होगा एनर्जी में कमी होगी और एस की एनर्जी में क्या हो जाएगी वृद्धि, तो देखो अब यहाँ पे कितने कक्षक भाग ले रहे हैं दो, कितने ले रहे बेटा तो संकरण के दौरान कितने कक्षक बन गए दो, कितने बन गए दो, दोनों का नाम क्या एसपी और एसपी, क्योंकि एक एस और एक पी, अब देखो पी की एनर्जी एस से ज्यादा होगी संकरण कक्षक संकृत कक्षक से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, सीधी सी बात है ये इसने एनर्जी कम की तो बाकी वाले पी तो दो तो ऊपर ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो वाला पी यहाँ पे पड़े, इसका मतलब इन पी की एनर्जी क्या होगी ज्यादा, तो अपन बोलेंगे पाई बॉन्ड की एनर्जी हमेशा क्या होती है ज्यादा, किससे सिग्मा, आई बात समझे, कोई डाउट है क्या पक्का, चल तो ये हो गया, तो यहाँ पे संकरण हो गया ये ठीक है, इसका मतलब ये कैसे बना, ये कार्बन है, इस कार्बन के एक बॉन्ड इस साइड बनेगा एक बॉन्ड इस साइड बनेगा, यहाँ पे क्या होगा पी बॉन्ड और एक इधर इस साइड होगा कि नहीं होगा पी ऐसे, अरे यही होगा कि नहीं होगा, और ये क्या है पी कक्षक, क्या है बेटा पी कक्षक, जो आपस में कैसे है बेटा 90 डिग्री के ठीक ठाक है, ये इन दोनों के बीच में यहाँ कोण कितना है 90 का, और इनके मध्य भी कोण कितने का होगा 90 का, समझ में आ रही क्या, जैसे ये इधर देखो ये वाला, तो समझ में आया ये लाइन जो खींची है ये वाली ये है ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है कि नहीं, इन दोनों के बीच में भी 90 का एंगल है कि नहीं, इन दोनों के बीच में भी 90 का एंगल है, क्या समझ में आया, और आकृति कैसी होती है संकरण से देखो तो कैसी होगी रेखीय, कैसी होगी बेटा देखिए, कोई डाउट है क्या नहीं। पक्का, अरे किसी को नहीं है डाउट ठीक है ना, यहाँ पे जो आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये तो कौन सा अतिव्यापन करेगा, ये कक्षक कौन सा करेंगे अक्षीय अतिव्यापन, कौन सा करेंगे अक्षीय अतिव्यापन, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, कितने तो अक्षीय अतिव्यापन कितने संभव है दो कक्षक कितने संभव होंगे दो, मतलब दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
अरे दो अर्धपूरित कक्षक है, जितने अर्धपूरित कक्षक होते हैं उतने ही होंगे, तो अर्धपूरित कक्षक कितने यहाँ पे दो, तो अक्षीय अतिव्यापन कितने होंगे दो, तो इन ये क्या करेंगे, ये करेंगे पार्श्व अतिव्यापन। कौन सा करेंगे बेटा? पार्श्व अति व्यापन। और पार्श्व अति व्यापन से क्या बनेगा? पाई। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो यहाँ पे कितने हैं दो, तो पाई बॉन्ड कितने बन जाएंगे दो, समझ गए? तो जब भी कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड बनते हैं तो अपन उसका संकरण क्या बोलेंगे? एसपी। एक पाई बॉन्ड हो तो, और जीरो है तो क्यों बोलते हैं पता चल गया तुम लोगों को? पक्का कोई उसके पीछे यूं अगर मगर कुछ आ रहा है क्या दिमाग में थोड़ा बहुत भी? ठीक है ना, तो हम जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जनरली कहीं पे बड़े लेवल पे टाइम पे करवाना हो कोर्स बहुत फास्ट करवाना हो तो हम वहाँ पे सीधा एक लिखाते हैं, जिस पर कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है उसका संकरण एस पी टू है, दो पाई बॉन्ड है उसका एस पी, और जीरो पाई बॉन्ड है उसका एस पी थ्री। क्यों होता है पता चला तुम लोगों? तुम्हें पूछ ले क्यों, तो तुम बोलोगे क्या कि एस पी थ्री संकरण में क्या होगा, तीन पाई और एक एस चला गया, इसका मतलब पी पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो पार्श्व अतिव्यापन वहाँ पे होगा ही नहीं, जब पार्श्व नहीं होगा तो पाई बनेगा कहाँ से, तो पाई बॉन्ड होता नहीं है। जब मैं बोलूँ एस पी टू बोलूँ तो दो एस और एक पी, सही है, एक एस और दो पी, समझ आई बात, एक एस और दो पी, तो पीछे कितना रहेगा एक पी, तो वो क्या करेगा पार्श्व अतिव्यापन और उससे क्या बन जाएगा पाई। अब मैं बोलूं एस पी बोलूं तो कितने पाई होंगे दो, क्यों? क्योंकि एक एस और एक पी चले गए, पीछे कितने रहेंगे दो पी, और वो क्या करेंगे पार्श्व अतिव्यापन, जिससे क्या बनेगा पाई बॉन्ड। समझ में आया क्या? चलिए आगे बात कर, आप उदाहरण लेते हैं एथाइन का। किसका उदाहरण लेते हैं बेटा? एथाइन का। आइए समझते हैं एथाइन को, ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? फटफड़ात नहीं रहे हो? ठीक है, ऐसा हो तो कुछ बोल देना, ठीक है। अब देखो ये एथाइन, एथाइन क्या हो, C2H2 या क्या बोलते हैं कार्ब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो अपन को पता है इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं दो, और एक क्या होता है सिग्मा, तो ये सिग्मा दो पाई, तो इसका संकरण क्या हो गया एस पी, इसका भी क्या हो गया एस पी, क्या हो जाएगा एस पी। अब देखो इस कार्बन को मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट में करूं तो ये मेरा कौन सा हो गया 1s2, ये मेरा कौन सा हो गया 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इधर और एक इधर, ये मेरा कौन सा हो गया 2pxy जो भी मैं मानूं, ठीक है ना, ये कौन से हो जाएंगे 2p होंगे कि नहीं होंगे सारे, और ये क्या हो जाएगा 2p3, अरे यही होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पड़े, ये तो क्योंकि ये क्या हो गया ओ है, अरे या आईओ है, आईओ है बेटा, इनर ऑर्बिटल, क्या है बेटा इनर, और ये सारे सारे यहाँ से यहाँ तक क्या है आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल ही हमेशा किसी भी संकरण में भी भाग लेता है, और दूसरे उस केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या कौन डिसाइड करेगा आउटर ऑर्बिटल, कौन करेगा आउटर ऑर्बिटल, समझ में आया क्या? चलो अब देखो तो यहाँ पे ये कौन सा बन गया, ये भी एस पी और ये भी कौन सा बन जाएगा एस पी, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा कि नहीं, अब ये कौन सा हो गया 2p और ये भी कौन सा है 2p, अब मैं पाई लिख देता हूँ, मतलब पाई का मतलब समझ गए, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन पड़े दो, एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब दो हो गए ना, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो संकरण हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, यहाँ पे ये कौन सा कक्षक है, ये बेटा एस पी और ये भी कौन सा है, अब ये कौन सा हो गया पी, ये कौन सा होगा बेटा पी और ये भी कौन सा होगा पी, या मैं पी पाई लिख दूं क्या, समझ आ गया क्या? अब ये तो इस कार्बन का हुआ, मैं इस कार्बन को बोल दूं कार्बन और दूसरा कार्बन डैश, तो कार्बन डैश का क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कार्बन डैश में सेम होगा कि नहीं होगा, 1s कितना हो गया 2, इधर बताओ 2s कितना 1 और इधर एक एक, अब ये 2p कितना हो जाएगा 3, अब दो कक्षक गए तो यहाँ पे ये होगा कि नहीं, इसका नाम भी sp इसका नाम भी sp, क्या 1s2 में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे 2p, तो ये क्या 2p पाई और ये भी लिख देना 2p, ये दोनों एक दूसरे के क्या लंबवत है कि नहीं, मतलब एक ऐसा है तो दूसरा क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या विपरीत गुणन का रखूंगा या नहीं रखूंगा, अरे समझ में आया क्या? तो ये कौन सा ऑर्बिटल है sp और ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या रखूं ऐसे रख दूं, ठीक है ना, ये भी कौन सा हो गया sp, तो ये कौन से हो गए p पाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्या हो जाएगा p पाई और ये भी कौन सा हो जाएगा p पाई, समझ में आया क्या? और ये क्या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक है, तो हाइड्रोजन को तो अपन को पहले ही बता रखा तुम लोगों को, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, या मैं बोलूं इसका क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, और s ऑर्बिटल है तो क्या होगा ऐसा गोलाकार, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे होगा हाइड्रोजन में या कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। देखो अब ये इससे बंद बनाने आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और ये इस साइड से बंद बनाने आ रहा है, तो क्या होगा इधर देखिएगा, दिख रहा है अच्छे से, मन की आंखों से, मन की आंखों से नहीं दिख रहा,
हाँ चलो इधर देखो, ये जो कार्बन है इस कार्बन की ये लूप थोड़ा नीचे बनाऊँ और क्या ही फर्क पड़ता है कैसे भी बनाओ है ऐसा ये ऐसा। अब देखो ये भी तो कार्बन है, एक लूप ऐसे है, क्या दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे इनके, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई बेटा, sp sp, कौन सा अतिव्यापन हुआ, तो ये सिग्मा किससे बन रहा है, sp sp अतिव्यापन से बन रहा है। अब देखो ये मेरा कौन सा है sp, अरे है कि नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब यहाँ पे कौन आया बेटा, हाइड्रोजन, कौन आया, क्या हाइड्रोजन ऐसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया ये लो हाइड्रोजन, क्या इधर भी हाइड्रोजन आएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो ये जो इसके दोनों सिग्मा हो गए कि नहीं गए, ये भी सिग्मा, अब ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी sp s, और ये भी कौन सी होगी sp s। अब देखो ये लूप बराबर है, ठीक है ना, छोटी मोटी बनी तो वो तुम देख लेना, ऐसा नहीं है ये हाइड्रोजन खाते पीते घर का है ये थोड़ा यूँ, ठीक है, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम लोग क्या है मतलब अलग ही लेवल के लोग हो। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी, कौन सा है, एक का इलेक्ट्रॉन इधर एक का इधर, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, पी पाई, और ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, दूसरा वो वाला, ठीक है ना, ये ले लो, ये कैसा है ऐसे, और एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, तो ये ऐसे है कि नहीं है ऐसे, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये कैसे ओवरलैपिंग हो गए बेटा, क्या ऐसा नहीं करेगा ये, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे करेगा ही नहीं करेगा, और इसका नाम भी क्या होगा, पी पाई। कोई डाउट है क्या, नहीं। पक्का नहीं। किसी प्रकार का नहीं है, चलो। तो अब देखो ये बना कैसे, इसको देखो, ठीक है, देखो ये इस कार्बन की बातें करते हैं, सब करते हैं अपन बातें। देखो ये वाला जो कार्बन है ना वो ऐसा है, ये रो ऐसा लिख देते हैं, ये इसका पी, ये sp sp, ये वाला देखो, देखो नजर आया तुम लोगों को, अब ये कौन सा होगा पी, और ये भी कौन सा हुआ पी, क्या नजर आया, चलिए अब देखो इस कार्बन की बात करते हैं, ऐसे कर लो, ये रहा, ये दोनों क्या है sp sp, और ये कौन सा हुआ पी, और ये भी कौन सा हुआ पी। अब देखो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, क्या ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्या क्या ऐसे होगी ओवरलैपिंग, अरे ऐसे होगी कि नहीं होगी, अब मेरे ये पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, समझ आ रही है, ऐसे ओवरलैपिंग। अब देखो ये वाला जो है ऑर्बिटल, इसके साथ ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे ये वाला जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे ओवरलैपिंग है, और दूसरा ये जो बच गया ना, ये वाला जो ये वाले कर रहे हैं, ये वाले ऐसे ओवरलैपिंग हो गए, अरे समझ में आया, कोई डाउट है, नहीं। पक्का, तो इसका मतलब ये पाई और ये पाई एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, मतलब विपरीत क्या, मतलब लंबवत है कि नहीं, अरे है कि नहीं, ये और ये क्या हो एक दूसरे के क्या है लंबवत है, अरे है कि नहीं, कोई डाउट है क्या, मतलब एक पाई बॉन्ड इधर पड़ा दूसरा इस साइड। अब देखो ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, कोई डाउट है पक्का, नहीं है ना किसी प्रकार का, वो तो बोल देना, चलो छोरे बोले है तो अब क्या कर लोगे सर, है इसका मतलब क्या, अब इससे ये जो बनेगा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, कि भाई ये रहा हाइड्रोजन ये कार्बन, और यहाँ पे ये लो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। अब देखो एक लूप तो ऐसे बनेगी, ये पॉजिटिव और ये क्या बनेगी, अब देख एक की जो बनेगी वो लूप यहाँ बना रहा हूँ, ये नेगेटिव होगी तो पीछे वाली क्या हो जाएगी, मतलब ये ऐसे देखो ये कार्बन नजर आ रहा है क्या, ठीक है, एक लूप तो इसके तो ऐसे बन रही है नीचे ऊपर नीचे, दूसरे की यूं बनेगी कि नहीं बनेगी, तो एक साइड नेगेटिव वाली दिख रही, क्या पॉजिटिव वाली नजर आएगी क्या, और पॉजिटिव नजर आ रही है नेगेटिव वाली नजर आएगी क्या, और हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन, क्या एक हाइड्रोजन को दूसरा हाइड्रोजन नजर आएगा क्या, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिखता है क्या, नहीं कभी नहीं दिखेगा, समझ आ रही बात, कभी दिखेगा क्या, नहीं क्योंकि ऐसा पड़ा है, अरे ये नहीं, इसको दिख रहा है ये, मैं जब देखता हूँ ये दिखता है क्या पीछे वाइट वाला, हैं तुम्हें दिख रहा है तुम बोले, ये देखो अब देखो वाइट दिख रहा है क्या तुम लोगों को, हाँ कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, अब देख समझ आ रही बात, तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, अब ये इसका मतलब दो पाई है कि नहीं है, तो ये पाई है तो कैसा बनेगा, ये देखो कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक लो और ये एक ही है। अब मैं बोलूं यदि मेरा ये जो है सिग्मा बंद बनाने में जेड जा रहा है, कौन सा जा रहा है जेड, मतलब IN मेरा जेड है, कौन सा है जेड, इसका मतलब पी जेड वो मेरा गया कि नहीं गया, तो ये यदि मेरा कौन सा किससे बना हुआ पी एक्स से बना हुआ, तो ये किससे बनेगा बताओ,
तो ये पी वाई पी वाई से बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? क्या ये दोनों एक ही तल में? ना, अलग अलग तल में। अरे है कि नहीं है? क्यों? एक तो ऐसा है, एक इधर से पाई बॉन्ड बना, मतलब ये ऐसा, एक इधर से पाई बॉन्ड बना और एक इधर से बना, तो दोनों एक दूसरे के तल में है क्या? इसको पता, ये बोल रहा है कि देख तेरा और मेरा घर एक नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के कितने 90 डिग्री पे, कितने पे? 90 डिग्री। तो जब भी तीन पाई दो पाई बॉन्ड बनेगा समझ में आया कि ये दोनों एक ही तल में नहीं है, दोनों के बीच में कितने का एंगल हो रहा है? 90 का। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? कोई पक्का किसी प्रकार का? चलो तो ये हो गया। अब बात करते हैं, थोड़ा और लेवल पे जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, ठीक है? अब देखो यह लियो, ये ठीक है ना, प्रॉपर डाइन, ये समझ में आ गया तुम्हें, मतलब बहुत कुछ चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है? हाँ, अब देखो क्या इस कार्बन के पास ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और ये क्या है? पाई। ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा सिग्मा, बताओ इसके पास कितने सिग्मा? तीन। पाई कितना? और जिसके पास एक पाई होता है उसका संकरण क्या होता है? sp2। इसका बताओ क्या संकरण? इसके पास दो पाई है कि नहीं है? तो दो पाई है तो क्या संकरण हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या संकरण हुआ? sp, sp2। बेटों को इतना समझाया फिर भी ये कौन सा हो गया? sp2। आया समझ में? पक्का? चलिएगा, अब देखो क्या तुम ये नहीं बोलोगे कि सर ये जो बॉन्ड बना है ना सिग्मा, ये sp2 sp ओवरलैपिंग से बना होगा? भाई इसका तो sp कक्षक आया और इसका कौन सा आया? sp2। मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन से बना? sp2 s sp से बना कि नहीं बना? तो ये भी किससे बना है? sp2 sp से। भाई देखो ये इसका sp और इसका कौन सा है? sp2। ये किससे बना? ये सिग्मा sp2 s से बना है कि नहीं बना? भाई बाकी वाले ये भी sp2 s से, ये भी sp2 s से, ये भी sp2 s से। क्या समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं। इसमें बताओ सिग्मा कितने प्रकार का, कितने प्रकार के सिग्मा? देखो एक sp2 sp वाला है, मतलब एक ये वाला और एक, दो प्रकार के ओवरलैपिंग है कि नहीं सिग्मा में? तो कितने प्रकार के सिग्मा हुआ? दो प्रकार के। आया समझ? जितने प्रकार के अतिव्यापन होगा उतने प्रकार के क्या होगा? सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा कितने प्रकार का हो गया? दो। अब बताओ भले मानूस, हाँ अब देखो ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन में क्या ऐसा नहीं होगा क्या? ये भाई sp वाला तो ऐसे होगा और sp2 वाला क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? है तो इधर भी, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन इधर साइड है कि नहीं है? यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इधर है कि नहीं है? अब बताओ यहाँ पे जो होगा उसके भी तो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? और दूसरा ऐसा होगा कि नहीं होगा? तीन, ये इधर, ये इधर। अब इधर कौन आएगा? हाइड्रोजन। कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन ने क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन और खटाक से बॉन्ड। इधर भी हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन और खटाक से बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे भी क्या आएगा? हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये लो बॉन्ड। और इधर भी हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, लो बॉन्ड। परंतु इसके पास क्या पी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। एक पी पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक पी ऐसा पड़ा होगा। अभी देखिएगा रोचक बात तो अब है, दूसरा पी ऐसा है कि नहीं है? अब इसके पास भी तो पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? ठीक है ना, मैं इसका ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा झुक के इसका पी ऐसे बना रहा हूँ। अब तुम बताइएगा मेरे को, क्या ये पाई और ये पाई सेम तल में? बताओ सेम तल में? क्यों? अलग अलग तल में? पक्का बताओ? अलग अलग में कैसे? इधर देखो, बिल्कुल अलग अलग में। यदि ये पी एक्स से बना है तो ये किससे बनेगा? 100% पी वाई या पी जेड से बनेगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ऐसे है तो दूसरा कैसे हो जाएगा? मतलब एक पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है तो दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। समझ आई बात? एक ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे, मतलब कैसे? देखो ये वाला ये है कि नहीं? ये वाला ये, अरे समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसके अब एक एक लूप ये इसे नीचे मान लेना यूँ, ठीक है ना? इसको भी ले आते हैं मार्केट के अंदर पकड़ के, हैं लियो। इस साइड देखो ये वाला ऐसा है। अब देखो मैं बोलूँ ये इसके साथ ओवरलैपिंग करना है, sp3 है कि नहीं है? ये और ये मेरा p है, नीचे वाला p है नहीं, दिख नहीं रहा, अदृश्य है।
ठीक है। अब देखो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना दिया, अब ये भी यदि ऐसे ओवरलैपिंग करके आए क्या ये पाई बॉन्ड बना पाएगा? अरे बना पाएगा क्या? मैं बोलूं जब ये इसने ऐसे ओवरलैपिंग किया तो ये पी बन गया कि नहीं बन गया? अब दूसरा मैं सामने वाला यदि ऐसे आए तो पाई बॉन्ड पॉसिबल है क्या? ये पाई बॉन्ड तो इसके साथ बना दिया, इसके पास कौन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसको पाई बनाने के लिए क्या ऐसे नहीं आना पड़ेगा? अरे आना पड़ेगा कि नहीं आएगा? अब ये पाई बॉन्ड ऐसे और ये पाई बॉन्ड ऐसे, अरे समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये पी एक्स पी एक्स है तो वो कौन सा हुआ? समझ आया क्या? एक ही तल में है क्या? ना, एक ही तल में नहीं है। क्या समझ में आया? पक्का है? नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। पक्का समझ में आ रही क्या चीज बोल रहा हूं? कि यदि ये इसके साथ चला गया, अब बोलो आप बोलोगे नहीं कि मैं तो इसको ऐसे रखूंगा, तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो समझ में आया? क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये इसके साथ करना पड़ेगा। अरे समझ में आया? पक्का? अब देखो तो ये हाइड्रोजन क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इधर देखो, इसको तो अब ओवरलैप करवा दे भाई, इसको करवा दे ऐसा। तुम समझ गए ना ये कि यहाँ पे एक पाई एक इधर, ये ऐसा है कि नहीं है? ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही? तो दूसरे की क्या ऐसा और दूसरे का ऐसा है, तो ये क्या अलग तल में है कि नहीं है? क्या दोनों एक ही तल में है क्या? यदि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगा। अरे समझ भाई, ये हॉरिजॉन्टल हॉरी वर्टी, ये हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा कैसा हो जाएगा? वर्टिकल। समझ में आया क्या? अब देखो यदि मैं इसको ऐसे देखूं, थोड़ा इसको जूम करेंगे, जूम जूम नहीं जूम इन करते हैं, इसको क्या करते हैं? जूम इन। क्या हुआ? बस हाँ ठीक इस साइड। अरे रो कौन रहा है? मारे को पता है। हाँ इस साइड देखो, एक बात सुनो मेरे को। हॉरी मतलब समझ में आया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में आया? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है रे? मतलब कुछ तो होता है। अब होता क्या है वो बताओ। हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा, वर्टिकल मतलब आड़ा, ठीक है ना? समझ आई बात? हॉरिजॉन्टल मतलब सुबह आप जब हॉरिजॉन्टल होते हो तो बहुत मुश्किल से होते हो, और शाम को जाके वर्टिकल आप यूँ आराम से है ही नहीं। समझ में आया? पक्का? अरे पता चला? अब देखो वो कहाँ गया? ये यही रहा। ये देखो, इसने यदि ऐसे ओवरलैपिंग की, हाँ इसने, तो ये कौन सा हुआ? सो रहा है कि नहीं रहा? अरे है कि नहीं है? तो ये कौन सा हुआ बेटा? वर्टिकल। और इधर देखो ये खड़ा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल। समझ आई बात? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो ये तो ऊर्ध्वाधर, अरे है कि नहीं? और ये कौन सी होगी? क्षैतिज। अब देखो तुम इसमें ऐसा नजर देखो कि तुम यदि इस साइड से देखोगे, किस साइड से? इस साइड से देखोगे तो अब देखो, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। तो देखो ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड इस कार्बन में। क्या इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इस साइड है ऐसा, और एक होगा डॉट 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 डॉट, उल्टा बना रहा हूँ मैं, उल्टा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? उल्टा। एक डॉट डैश डैश जो आप नहीं दिख रहे हो, और एक आपके जस्ट सामने है कि नहीं? अरे यस या नो? परंतु इस कार्बन का एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, दोनों दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? कैसे? इधर देखिएगा, अपने देखते हैं। इधर देखो, ये देखो भागेगा ये, इधर देखो, देखो ये हाइड्रोजन। अब इधर देखो ये रहा, इसको ऐसे करना पड़ेगा नहीं उन्हें? अब देखो ऐसे, देखो ये सामने इसके हाइड्रोजन आपको दोनों दिख रहे कि नहीं दिख रहे? पर इसके तो क्या होगा हाइड्रोजन, जब तुम देखने जाओगे इसके हाइड्रोजन, तो एक सामने ऊपर और एक नीचे, नहीं दिख रहा? देखो देखे ये हाइड्रोजन ये, अरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? पर इसके कैसे दिख रहे हैं? अब दोनों आपके सामने है कि नहीं? मतलब इसके हाइड्रोजन ऐसे दिख रहे हैं, और जब सामने वाले ऐसे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अरे समझ में आया क्या? मतलब क्या? इधर देख, ये मैं ऐसे ज्यादा क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म के अंदर, देखो एक के ऐसे दिख रहे, अरे मेरे साइड वाले का, और आपके साइड वाले ऐसे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? मतलब कुल मिला के ऐसा नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? इष्ट किस
अरे है कि नहीं है, तो यही तो मैंने बनाया। देखो ये देखने वाले से दूर, ये देखने वाले की और, ये वाला अरे तल में है कि नहीं है, पक्का है कि नहीं। और इसको मैं तल में लूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अरे समझ में आया? यस या नो? कंफर्म? पक्का? करिश्मा डब डब हो रही है, पक्का? चलो, अरे ये बाद में मैं बोलूंगा और नहीं आया मार खाओगे। फिर बोला ना सर कैसे, मैं बोलूंगा ना कि मैं सी चल रही थी। समझ आया रमेश? पक्का? नहीं तो इधर देखो एक बार और समझाने का ट्राई करते हैं हम। इधर देखो ये अपना पी है, इसको थोड़ी देर के लिए पी मारना है, ठीक है ना? अब देखो ये पी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पी, अब मैं बोलूँ ये पी इस साइड बॉन्ड बना दिया, ठीक है बॉन्ड बना दिया। आपको ये देखो ये दोनों हाइड्रोजन नज़र देख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हाइड्रोजन, ठीक है? अब देखो इस पी को, देखो ये पी ऐसे ऊपर बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, मैंने बोला ऐसे बना दिया ऊपर, तो ये देखो। अब देखो इसके हाइड्रोजन क्या ऊपर और नीचे नज़र आ रहे कि नहीं आ रहे? दिव्या खड़ी हो इधर, इसको पकड़ ऐसे, इसको ऐसे पकड़ ऐसे, हाँ इधर आ जा कोई नहीं, हाँ इधर देख दिव्या के मैं जोगन लग रही हूँ है। इधर देखो ये ऐसे कर, अब देखो ये इसने पाइप बॉन्ड बनाया इधर से और इसने पाइप बॉन्ड ऐसे ऊपर बनाया कि नहीं बनाया? तो पाइप बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन इस साइड नजर आ रहा है तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने नहीं है ना, पर तो ये तो हाइड्रोजन ऊपर है और ये हाइड्रोजन नीचे है कि नहीं है? अरे ऐसा है कि नहीं है? ये हाइड्रोजन ऊपर ये वाला और ये वाला नीचे वाला ये रहा, और ये हाइड्रोजन देखो ये तो तुम्हारे सामने है ये इस साइड। अरे समझ में आया? क्योंकि इसने पाइप बॉन्ड ऐसे बनाया कि नहीं, ये ऐसा, और ये पाइप बॉन्ड कैसे बना हुआ है ऐसा। समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? चलो लियो, ठीक है। अब देखो मैं आपको आगे पूछूंगा, इसमें तुम जाने वाले हो, ठीक है? अब देखो ब्यूटा ट्राइन कौन सा बेटा? ब्यूट का मतलब चार कार्बन होते हैं, कितने कार्बन? तो ये तो दस ही तुमने पढ़ रखे हैं ना, कितना? देखो एक दो तीन चार। अब इसमें तीन बॉन्ड लगाना, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। छोरा बोला कि सर ट्राइन है, तब मैंने लगाया। तुम बोलो तीन बॉन्ड पाई तो ऐसे ही लगा सकते, यहाँ लगा दो पर वो आइन हो जाएगा। समझ आई बात? अब देखो क्या इसकी औकात पूरी हो गई? दो बॉन्ड बना था दोनों पूरी, इसकी औकात पूरी? इसकी औकात नहीं। हाँ तो ये कितना लगेगा? दो हाइड्रोजन। अब इसकी बताओ? दो हाइड्रोजन। समझ में आया? पक्का? क्या ओ लियो, हाँ इस साइड देखो इसके पास कितने पाई बॉन्ड? एक है कि नहीं? इसका संकरण क्या हो गया? sp2। इसके पास कितने पाई? दुनिया देखेगी वो बोलेगी कि भाई ये ऐसे कैसे कह रहा, अरे देखो ये ऐसा। सुना ही बात? क्या यहाँ सिग्मा पाई, सिग्मा यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, इसके पास कितने पाई? दो। इसके पास एक पाई है कि नहीं ये वाला? तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? टू sp होगा। क्या होगा? इस साइड देखो, इस साइड। समझ में आया? यदि जनता चित्र बनाएगी तो ऐसा नहीं कहेगी कि ये लो सर, अरे है कि नहीं? अब देखो ओवरलैपिंग वाली बात कर ले क्या? पहले कर ही लेते हैं। इसका बताओ ये कौन से ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है? sp2s से। ये किससे बना है? sp2sp से। और ये किससे बना है? sp-sp। किससे बेटा? sp-sp से, ठीक है ना? और ये किससे बना है? sp2sp से। क्या सही है? और यहाँ किससे? sp2s। को डाउट किसी प्रकार का? वहम भरम दर्द दुख कुछ है? नहीं। पक्का नहीं है ना? वो तो बोल देना है। नहीं हाँ ऐसे बोला, मारे जीव हो रो है बुढ़िया कह जाओ। ये कार्बन कौन सा बना रहा हूँ? ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है? ये रहा, ये रहा। तो दूसरा जो कार्बन होगा क्या उसकी लूप ऐसे नहीं होगी बेटा? अरे होगी कि नहीं होगी? अब ये दोनों कार्बन हो गए, ये वाला कार्बन रह गया, क्या इसकी लूप ऐसे होगी बेटा? और ये वाला ऐसे, कौन सा? ये वाला बना दिया ये। अब कौन सा रह गया? ये वाला। ये लूप ऐसे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे लूप, एक ऐसे, ऐसा ही होगा। पक्का? क्या तुम्हें किसी को डाउट है इसमें? नहीं। क्या इधर हाइड्रोजन आएगा बेटा? हाँ। ये लो हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। समझ में आया क्या?
ये कौन से कक्षक है सब? sp2 है। ये कौन से है? sp2। ये भी, और ये sp, ये 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 sp2, और ये हाइड्रोजन और sp, अरे है कि नहीं? और ये हाइड्रोजन और टू। मैं क्या बोलता हूं उस पर मत जाओ तुम लोग। अरे ये sp2 है कि नहीं है? ये भी sp2। अब देखो क्या इसका p ऑर्बिटल एक ऐसा है कि नहीं है? दूसरा p कैसा? दूसरा p ऐसा, अरे है कि नहीं है? क्या इधर भी इसका भी तो p ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक और दूसरा p कैसा होगा इसका? कहाँ गया ये रहा? क्या दूसरा p ऐसा नहीं होगा क्या? अब देखो इन दोनों में तो कोई, देखो अब मैं बोलूं कि इसका p यदि ऐसा है तो इसने ऐसे ओवरलैपिंग की होगी कि नहीं की होगी? ठीक है, और की है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऐसा, और इसने भी तो ओवरलैपिंग की होगी ऐसे, और ऐसे ही करेगा कि नहीं करेगा? ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब ये रह गया कि नहीं रह गया? यदि मैं बोलूँ ये पी एक्स है तो ये भी कौन सा होगा? पी एक्स, अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये पी वाई है तो ये भी कौन सा हो जाएगा? तो ये बस कौन सा गया? पी एक्स। पी एक्स बचेगा ना? नहीं आया समझ में? भाई सबका जेड तो सबके ही चला गया, तो पीछे पी एक्स और पी वाई ले लिया अपने। तो ये यदि पी एक्स था, इसका पी एक्स है, पी एक्स के साथ कर लिया, तो ये पी वाई हो गया कि नहीं हो गया? अब ये पी एक्स है कि नहीं है? तो इसका भी कौन सा आएगा? पी एक्स। कौन सा आएगा? पी एक्स। क्या समझ में आया? पक्का? अब देखो तुम ऐसे सोचो, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहे कि नहीं आ रहे ये बताओ मेरे को। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये इधर इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। क्या समझ में आ रहा है? पक्का? इसका मतलब इसका मैं यदि चित्र बनाऊं, इधर देखो क्या ये कार्बन, ये वाला, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऐसे देखेंगे तो ये भी तो ऐसा ही दिखेगा। क्या चेंज होगा तल? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए इसको समझो। देखो ये पाई बॉन्ड कैसे बना? ऐसे। दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे। अब वापस बनाने के लिए ऐसा आना पड़ेगा ही नहीं आना पड़ेगा? जब वो ऐसे आएगा तो हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इधर वाले के भी तो ऐसे ही रहेंगे। पाई बॉन्ड दोनों एक ही जैसे आएंगे नहीं? या भी पी एक्स पी एक्स से बना तो ये भी तो दोनों एक ही जैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? यदि वो ये वाला इस साइड वाला ये वाला है यदि ऐसे आ रहा है ओवरलैपिंग करने, तो वो वाला उधर वाला भी तो ऐसे ही आ रहा होगा? ऐसे थोड़ी आएगा? नहीं। तो इसका मतलब यदि यहाँ पे हॉरी वर्टी, ये मैं अब मैं इसको सब प्यार से बोलते हॉरी, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कौन बोले? ठीक है ना, वर्टिकल कौन बोले? अपन बोलेंगे हॉरी। क्या बोलेंगे? हॉरी वर्टी हॉरी। यदि सेम आ रहा है, स्टार्टिंग एंडिंग क्या हो रही है? सेम। तो दोनों एक ही तल में, दोनों यदि हॉरी वर्टी हॉरी और वर्टी आ रहा है, देखो स्टार्ट हॉरी से हुआ, एंडिंग कहाँ पे? वर्टी पे। तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग तल में होंगे। समझ आई बात? पक्का? अरे पता चला मैं बोलूं वर्टी हॉरी वर्टी सेम में? अरे भाई स्टार्टिंग एंडिंग क्या है? सेम। हॉरी वर्टी हॉरी हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी अलग, हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। क्या समझ में आ रही? मैं क्या कहानी बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों की? बैटरी है दिमाग में? पक्का? किसी प्रकार का यूं कंसेप्ट हो रहा है? नहीं बेटा, ऐसे होगा ही नहीं ना, कैसे होगा? इधर देखिएगा, ऐसे होने नहीं देंगे ना हम। देखो ये वाला कार्बन ये, और ये वाला कार्बन ये, तो देखो ये रहा sp, ये sp लूप, ये p और ये भी p, तो p है कि नहीं बेचारे के पास? एक और sp लिखे आया अपन, ये लो sp, अरे है कि नहीं? क्या ऐसा पाई है? क्या ऐसा पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? दो पाई बन गए, तो फिर इसका बाकी वाला ये बोले हम क्या लेना है यहाँ? ऐसे नहीं होगा। अब देखो ये वाले, इसने यदि ऐसे पाई बॉन्ड बनाया, समझ आ रही बात? इधर आओ एक जन खड़ी हो गई, इधर बताते तेरे को, पकड़ इधर, मैं बताता हूँ टाबरों को कैसे होता है। हाँ इधर आ जा, इधर खड़ी हो जा इस साइड। हाँ ऐसे पकड़ के, हाँ इस साइड, ये ऐसे पकड़ पकड़ लिया, इस साइड देखो। ये यदि पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, अरे बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें?
तो देखो ये ऊपर है और ये क्या है नीचे, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, ये दोनों हाइड्रोजन है ठीक है, और ये बॉन्ड बन गया सिग्मा, ये कौन सा sp और ये sp3 सॉरी sp2, कौन सा बेटा sp2, समझ में आ रहा है क्या, और ये पाई बॉन्ड ऐसे बन गया। अब देखो ये पाई ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका एक ये ही रहा कि नहीं रहा, तो अब इसके सामने जो आएगा कहाँ गया, नीचे नहीं वो दूसरा वाला, हाँ ये दे ठीक है दे रहे, क्या खेल रही है बच्चों की तरह तू। हाँ अब देखो ये, देखो ये तीनों त्रिकोण हो गए ये वाले, मतलब इस समझ लेना ये 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 वाले तीन, और ये जो है ना एक है पी, एक पी मैंने उड़ा दिया ठीक है ना। अब देखो इसने कैसा पाई बॉन्ड बनाया ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड कैसे बन गया ऐसे, अब इसके पी ये ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इससे पी बॉन्ड बनाने के लिए कैसे आना पड़ेगा, वापस ऐसे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तो ऐसे आएगा देख, उधर का पी इस साइड वाले का पी सेम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, देखो क्या कर रही है आरती दीदी, हाँ इधर देखो ये पी और ये पी दोनों एक ही जैसे है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या, पक्का ये बॉन्ड ऐसे बना, तो ये भी बॉन्ड कैसे बन रहा है ऐसे, और ये दोनों कैसे बन रहे हैं, तो देखो ये कौन सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्या देखो, तो अभी इसका भी हाइड्रोजन ऊपर है कि नहीं, इसका भी देख लो ऊपर है कि नहीं, अरे समझ में आया पक्का, ये क्या हो गया विंडो गया तो नहीं, वाह ऐसे कैसे चला जाएगा यह आया समझ में पक्का, यह ऐसा नहीं गुब्बारों से खेल रहा बेटा है नहीं ना, चल तुम्हें समझ में आना चाहिए, देखो हॉरिजॉन्टल ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अब दो तीन उदाहरण दे क्या तुम लोगों को, दे दे है दे दे, इधर बताओ देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ठीक है ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, अब बताओ दोनों हाइड्रोजन ये और ये एक ही तल में अलग अलग, तो आप क्या बोलोगे हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी अलग अलग, इसका मतलब ये तो है डैश डैश और ये कौन सा होगा, अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या समझ में आया कोई डाउट किसी प्रकार का, पक्का चलिए अब देखते हैं और दे दे, कश्मीर से कन्याकुमारी चलते ही रहते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, अब कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, इधर ए और इधर बी तुम्हारी मर्जी, अब मैं बोलूँ क्या दोनों एक ही तल में, तुम बोलोगे यहाँ पे देखो हरी वर्टी हरी वर्टी हरी वर्टी, क्या पहला और दूसरा लास्ट वाला सेम है क्या, इसका मतलब कहीं और पे पहुंच गया, क्या तल अलग है कि नहीं है, तो हॉरी ने वर्टी पसंद ही नहीं है बेटा, ये हॉरी को कौन पसंद, हॉरी वर्टी को, ठीक है ना आगे समझ में, तो ये दोनों एक दूसरे के, एक कैसा हो गया ऐसा दूसरा ऐसा, समझ आया क्या पक्का, ये बीच में सिस्टम अपना, अरे नजर नहीं आया तुम लोगों को, ऊपर वाले क्या सेम है ठीक, अब बताइएगा यदि मैं ऐसे कर दूं इसको वर्टी बोलूं इसको हॉरी, तो इसको वर्टी इसको हॉरी इसको वर्टी और इसको, तो भी तो वही होगा ना भाई, स्टार्ट हुआ वो एंड वाला सेम है क्या, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं है तो क्या होगा, अलग अलग तल में, यदि सेम है तो एक ही तल में, समझ आ रही बात, इधर ये बताइएगा बताओ मेरे को, हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी, अरे वो तो ऊपर वाले ही आ गया सैम, क्या हुआ तेरा वादा है, एलियो अब बताओ हॉरी वर्टी हॉरी, क्या दोनों सैम, आप बोलोगे नहीं वर्टी हॉरी वर्टी, अरे तो सैम है कि नहीं है, चलो तो इसका मतलब दोनों ऐसे, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे और ये ऐसे तो ये भी ऐसे, समझ में आया क्या, कोई डाउट है पक्का, चलो यही तो समझाना चाह रहा था मैं, अब इधर देखो, अब एक होता है कॉन्जुगेशन, क्या होता है बेटा कॉन्जुगेशन, क्या होता है इससे ही समझा देता हूँ, इधर देखो ये देखो इधर से समझाता है, इधर तो क्या ही समझा है, इधर समझाते हैं, इधर देखो क्या ये पी और ये पी आपस में समांतर है कि नहीं है,
ये वाला पी एक्स और ये वाला पी एक्स, ऐसे है कि नहीं? 20 वाले बॉन्ड ऐसे बने हुए, देखो इधर से ऐसे बॉन्ड बना, फिर इधर एक ऐसा था, इधर भी एक ऐसा था, तो ऐसे ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? पहले ओवरलैपिंग ऐसे हुई, फिर एक इसके पास ऐसा पड़ हुआ था, उधर वाले के पास भी ऐसा, ऐसे ओवरलैपिंग हुई, फिर एक इसके पास ऐसा पड़ा था, इधर वाले पास ऐसे ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? क्या ये वाला पाई और ये वाला पाई सेम है कि नहीं? बीच में ऐसा है कि नहीं? समझ में आया क्या? अब देखो इसमें क्या होता है, इधर देखिएगा, बेचारे के साथ डांस करवा रहा हूं सुबह से इसको। इधर देख ये कार्बन, इधर आ, ऊपर जा, हाँ इस साइड देख, ये देखो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या ये ऐसा है? अरे है कि नहीं? फिर इसमें एक ऐसा है कि नहीं? थोड़ा अलग पेन से बनाते हैं, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्या ये ऐसा? जबरदस्ती क्या ये पाई बॉन्ड ऐसा है? अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसा है कि नहीं? ये ऐसा, ये पाई बॉन्ड ऐसा है कि नहीं? दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका पाई बॉन्ड ऐसा है कि नहीं? क्या ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर पड़े कि नहीं पड़े? अब मैं बोलूं इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपने इधर शिफ्ट किया तो ये खाली हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? खाली, ठीक है ना? इधर देखो, तो इस कार्बन के पास क्या ऐसा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए कि नहीं आ गए? समझ आ रहा है क्या? इस कार्बन ये बेचारा खाली हो गया, ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्या इधर तो अभी तक पड़े कि नहीं पड़े ऐसे? तो ये देखो, परंतु ये इसके एक और इसके जस्ट लंबवत में ऐसा पाई बॉन्ड पड़ा है इधर एक, याद करो। अब देखो ये रोने लग गया, क्या इसको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता पी? ना। अरे दे सकता है क्या? अरे एक तो ऐसा पड़ा, दूसरा ये यार हो रहा है और ये इधर बैठा है, ये बोले मैं तेरे को दे तो सकता हूं पर तू मेरे तल में आ, ये बोले वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अरे है कि नहीं? तो इसने इसके भाई को पूछा कि तू पैरेलल में है? क्या? हाँ, ये मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा सकता हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है? नहीं दे सकता। जब ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या ऐसा नहीं बनेगा? ये कार्बन, ये लो, ये लो, ये लो, ये ऐसा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ पे CH2, ऐसे लिख दूँ क्या? समझदार हो तुम लोग? मोड़ा यो, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है? अब देख ये वाला कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या? नहीं। ये बोला अपन तो जैसा है वैसा रहेंगे, ये रहेंगे, देखो ये ऐसा। तो ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ओवरलैप कर सकता है, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जहाँ आते हैं वहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, क्या आ जाता है? और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो समझ में आया क्या? इससे कोई इफेक्ट होगा क्या? तो इसका मतलब यदि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट करें तो ये भी इस साइड शिफ्ट करवाएगा कि नहीं करवाया? क्योंकि ताकि इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो ये कैसा होगा, देखो ये हाइड्रोजन इस साइड, ये हाइड्रोजन इस साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव सी। अब देखो इसके दो बॉन्ड तो पहले ही बने हुए थे, ये रहा, और यहाँ पे CH2 लिख दूँ क्या? और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अब देखो एक बॉन्ड इससे इसकी वजह से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये और ये पाई बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, क्या समझ में आया? इसका मतलब समांतर वाले ही कर सकते हैं, और उसमें कितने का अंतर होना चाहिए? एक सिग्मा का अंतर होना चाहिए। कितने का? देखो एक सिग्मा का अंतर है कि नहीं इन दोनों के बीच में? यदि एक से ज्यादा है तो कर पाएंगे क्या? कैसे? इस साइड देखो, ज्यादा नहीं हो रहा? तुम गाली निकाल रहे हो कि दो पेज छुड़वाया है, ऐसा कर करवा रहा है, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ तुम लोगों, समझ में आ रहा है? हाँ। इधर देखो, जैसे मैंने ये उदाहरण ये दिया, क्या ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है बेटा? क्या ये दोनों आपस में ऐसा कर सकते हैं? देखो इधर देखो, ये कार्बन, इस कार्बन का संकरण क्या है? दोनों को बताओ फटाफट, बताओ फास्ट, इसका संकरण क्या है? SP2। अरे है कि नहीं? एक पाई,
इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का नींद आ रही है क्या? नहीं। तो पूजा रो क्यों रही? तो पूजा क्या पता नहीं क्या कर रहा है। इधर देखो, क्या ऐसा होगा? क्या इसके पास ऐसा बॉन्ड है? अरे समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? क्या इसने ऐसे बना रखा है? अरे इधर देखो, क्या इधर हाइड्रोजन है? क्या इधर हाइड्रोजन है? पक्का? क्या इधर दो इलेक्ट्रॉन है? अब मैं बोलूं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब खाली, पॉजिटिव मतलब खाली। अब यहाँ पे खाली, तो ये रोएगा कि नहीं रोएगा? क्योंकि यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उसकी ईएन क्या हो जाती? बढ़ जाती। ईएन क्या हो जाती? जब इसकी ईएन बढ़ेगी तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जैसे यहाँ पे देखो, मैं बोलूं यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसकी ईएन के पॉजिटिव आते, ये ईएन बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन लूजली कौन से बंधे हुए? सिग्मा का पाई, सिग्मा लूजली बंधे हुए पाई, क्योंकि पाई की एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं होती? तो पाई जल्दी टूटेगा नहीं टूटेगा? तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करवा देगा? इस साइड शिफ्ट। आई बात में? तो इधर क्या आ गया? नेगेटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव। खाली कक्षक इसके पास भरे हुए, क्या इसमें बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे है कि नहीं है? तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करवाएगा? इधर शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा? इधर देखो, इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये रहा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? इस कार्बन के पास यहाँ पे ऐसा खाली पड़ा था, और इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? ये और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बना देगा? बॉन्ड। और इसके पास क्या हो जाएगा बेचारे के पास? खाली। और इसको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज है तेरे पास, CH2। इधर भी क्या है? तो कब संभव है? जब एक सिग्मा का अंतर हो तभी तो संभव है, एक से अधिक हो तो। अब देखते हैं, वो उसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो फिनोमिना है, जो पैरेलल पी और ऑर्बिटल जो आपस में इलेक्ट्रॉन का ऐसे स्थानांतर करने, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? ये कोई परिभाषा ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भेजे के अंदर, खोपड़े के अंदर ये चीज़ बैठ जाए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? ऑथेंटिक डेफिनेशन, ऑथेंटिक क्या होता है रेजोनेंस, वो अलग से पढ़ेंगे। परंतु क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या करने वाले हैं अपन? आगे क्या करने वाला हूँ वो मैं बता रहा हूँ, कि संकरण कहाँ यूज है, क्यों मैं ये गुब्बारे फुला फुला के बता रहा हूँ दो तीन दिन से। तुम्हारे माइंड में ये गुब्बारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसा कि भाई ये कैसे? अरे समझ आई बात? कोई डाउट है? पक्का? चलो, तो इसका मतलब ये, तो इसके यदि मैं चित्र बनाऊँ तो क्या होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन है कि नहीं इसके पास? एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, मैंने नीचे लटका दिया ऐसे, कोई तकलीफ है क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया क्या भाई? ये नेगेटिव क्यों आया पता चल गया ना, ये पॉजिटिव। अब उल्टा भी तो पॉसिबल है, जरूर थोड़ी अपने ऐसे ही करवाएं, ऐसे भी तो पॉसिबल है कि नहीं है भाई? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे तो इसको इस साइड करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? ऐसा भी संभव है कि नहीं? ठीक है, ये बात तो तुम्हें पसंद आई, पता नहीं आई कि नहीं आई, फिर भी मैं बोल देता हूँ। अब बताइएगा क्या पॉसिबल होगा? इधर देखो कैसे, क्या ये कार्बन ऐसा है? इस कार्बन का कितने पाई इसके पास बताओ? एक। तो इसका संकरण क्या होगा? sp2। इसका भी इसके पास कुछ है क्या बिचारे के पास? है ही नहीं, जीरो पाई। तो संकरण क्या हो गया? sp3। इसका क्या हो गया? sp2। इसका भी sp2। अब देखो इस कार्बन को बनाऊं, क्या ये कार्बन ऐसा है? ये कार्बन ऐसा है, इस कार्बन के आगे वाला ये वाला है, और आगे कार्बन ये और ये कार्बन, क्या ऐसा ओवरलैप है? अरे है कि नहीं है? इधर देखो ये ऐसा है, कौन है रही? कौन जा रहा है? CH2। इधर भी क्या है बेटा? CH2। इधर CH, इधर भी और इधर भी क्या है? CH। अब देखो इन दोनों ने ऐसे बॉन्ड बना रखे कि नहीं बना रखा? इनने ऐसे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यदि ये इधर शिफ्ट करवाए तो इसके पास कुछ है क्या? पी, इसके पी तो सारा किस में गए हुए? संकरण में। है ही नहीं बेचारे के पास, खाली है क्या? नहीं है ना। तो ये भी हो, ये बोले मैं ऐसे करा दूं, करा इसको देगा कौन? ये बोले अपने पास है ही नहीं, अपने सारे सारे क्या बना रखे हैं? बॉन्ड। तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन में है? नहीं। तो इसका मतलब देखो, दो सिग्मा आगे कि नहीं आगे? जब दो सिग्मा आगे तो वो कॉन्जुगेशन टूट जाता है। समझ आई बात? तो इसका मतलब एकांतर क्रम में होना चाहिए कि नहीं? एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं? पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं? ये लो, ये छोड़ के देखो, ये पाई सिग्मा और सिग्मा, क्या कॉन्जुगेशन है? नहीं।
फिर क्या आया पाई, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, अरे बात समझे। बाकी जीओसी के अंदर पढ़ेंगे, अभी तो मैं बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक मतलब फंडामेंटल ऑर्गेनिक है क्या? फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन जीओसी, उसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, डांसिंग रेजोनेंस, वहाँ पे पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है। ठीक है, अभी तो यूँ बता रहे हैं तुम लोगों को हो क्या रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ आ रहा है क्या? चलो ठीक है ना, यही आपके तो यूँ हैं कि इसमें इतने पक रहे हैं तो उसमें तो पता नहीं क्या होगा। है पक रहे हो? नहीं। समझ में आती है तुम्हें? सही से बताओ, मजाक नहीं, पक्का है? ऐसा हार्ड तो नहीं लग रहा? पक्का बेटा, ये बहुत हार्ड है। अरे रियलिटी में मजाक नहीं है, और समझ में आ जाने तो बहुत क्या हो जाता है? सिंपल। क्या हो जाता है? सिंपल। ठीक है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जो अपन को ईजी लगता है ना वो दुनिया के लिए ईजी हो कोई जरूरी नहीं, और अपन के लिए हार्ड लग रहा है वो दुनिया के लिए हार्ड हो कोई जरूरी नहीं। क्या मेरे को केमिस्ट्री ईजी लग रही होगी? ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूँ तो ईजी लग रही होगी भाई, है यही है कि नहीं है? मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या लग रही होगी? ईजी लग रही होगी। परंतु क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब आपको भी लगे? हाँ चलो, इस साइड देखो, इस साइड देखो, बात करते हैं। तो ये समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? अरे पता चला ना, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा सब्जेक्ट क्या मांगती है बेटा? मेहनत। क्या मांगती है? मेहनत। ये वो मैंने कहानी नहीं सुनी थी, पिकासो, तुमने नाम सुना है पिकासो? पिकासो एक मतलब बहुत अच्छा पेंटर था, आर्टिस्ट, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। आर्ट एग्जीबिशन लगते हैं गैलरी, आर्ट गैलरी है, तो वहाँ पर उसकी करोड़ों में बिकती थी। तो एक दिन वो एग्जीबिशन के अंदर बैठा था, ठीक है, तो लोग उसकी वो गैलरी मतलब चित्र खरीद रहे, तो वो एक बैठा था, उसके सामने एक बूढ़ी कोई औरत बैठी थी, उसका उसने चित्र बनाया, उसका बनाया किसी चित्र बना के उसको दिया, उसने बोला कि मेरे को चित्र बना के दो, उसने दिया, और उसने बोला, पूछा कि इसकी रेट कितनी लोगे आप, कितनी प्राइस लोगे? तो उसने पिकासो ने बोला मैं 4 करोड़ रुपये लूँगा। और तो उसने लुगाई ने बोला कि भाई आप 4 करोड़ किस बात के लिए, आपके तो आपके टाइम के 2 मिनट तो लगे आपके। तो पिकासो ने बोला मैंने इस 2 मिनट के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, ज़िंदगी के 40 साल है ना वो कुर्बान कर दिए, तो आज अपने जो 2-2 मिनट में काम हो रहा है ना अपना, उसके पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारी है अपने। ठीक है, मैं कोई चीज़ बहुत फास्ट कर रहा हूँ इसके लिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। यदि आपसे क्वेश्चन बहुत फास्ट हो रहा है, ये अभी अपने इसी वही पिकासो बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, कि ताकि ये इतना पढ़ा है ना, ये इतने पेज तुम्हारे, ये तुम्हारे एक पेज में हो जाएगा कन्वर्ट जब तुम रेगुलर पढ़ोगे। ठीक है, तुम्हें ये देखते ही पता चल जाएगा इसमें ये हो रहा है। समझ रही बात है? वहाँ पे फिर ये यूँ कंसेप्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये कंसेप्ट वो है ना तूफान से पहले, वो होते हैं शादी से पहले वाले ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ठीक है ना, अरे समझ आ रही बात? शादी तो कितने मिनट की होती है? 7-8 मिनट की तो होती है कि नहीं? फिर उससे प्रोसेस कितना होता है? 10-15 दिन का होता है कि नहीं होता है? और आजकल तो एक महीने महीने चलता प्री वेडिंग ना, वो ना फलाना ढिमका, अरे है कि नहीं? पर तो शादी तो कितने हैं? लगभग 5 मिनट या 10 मिनट। महाराज थोड़ा ढंग का आया तो आधा घंटा लगा देता है, और यूँ थोड़ा वो स्पीड वाला आया तो निकल भाई, है कि नहीं? 5-6 मिनट में ख़त्म, अरे है कि नहीं? इतना ही प्रोसेस है, उससे पहले कि बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो सेम कहानी है। तो आगे जब ये समझ में आ जाएगा ना, आपके लिए 2 मिनट का है प्रोसेस, ठीक है ना, मैक्सिमम, और जो इतने लेक्चर अपन ने लिए वो सारे, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो कितने मिनट गई हो ना। चलो समझ में आया ये? चलो इसका देखते हैं, और रिवर्टी और ही समझ में आ गया। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में हम 2 प्रकार से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो केंद्रीय परमाणु के पास पाई बंधों की संख्या के आधार पर, केंद्रीय परमाणु मतलब जिसका अपन संकरण निकालते हैं, सी ए बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल एटम संकरण। अब मैं बोलूं किसी के पास 0 पाई बंद है, ओ पाई नहीं है, 0 पाई है, क्या है? 0 पाई, ठीक है ना। यदि किसी के पास 0 पाई है तो उसका संकरण हमेशा क्या होगा? sp3। क्या होगा बेटा? यदि 1 पाई है तो क्या हो जाएगा? sp2। क्यों 1 पाई क्यों होगा? क्योंकि एक पी रह गया, रहना चाहिए पीछे, भाई पाई कौन बनाएगा? पी। तो 1 पी रह गया तो पीछे कितने रहे? 2 पी। 2 पी और 1 s मिलके क्या बना दिया? sp2। अब मतलब यहाँ पे कितने? 2 पाई, तो इसका मतलब कितने पी गए? 2। तो पीछे अब संकरण में कितने पी जाएगा? 1 और 1 s, तो क्या हो गया? sp। अब बताओ ज्यामिति इसकी क्या होती है? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? ये तो अब खूब बातें कर ली, अब इसके बारे में हर बार क्या बताऊं। ये कैसा होगा? त्रिकोणीय। ये समतलीय,
और ये कौन सी होगी? रेखीय। कैसी होगी बेटा? रेखीय। अब बताओ इसका बंद कोण कितना होता है? 109.28 मिनट, या ऐसा नहीं लिखा हो तो 109.5 डिग्री, मतलब वो 48 होता है, अपन उसको 5 बोल देते हैं राउंड फिगर में। और यहाँ पे कितना होता है? 120 डिग्री। और यहाँ पे कितना होता है? 180 डिग्री। कोई डाउट है क्या? कोई समझाने की जरूरत है क्या? अपन पीछे कहानी यही बात कर रहे थे। अब देखो नेक्स्ट। अच्छा ये उदाहरण, ठीक है, क्या करें इसको? उदाहरण तो बताओ इसका संकलन क्या, बताओ फटाफट बताओ सबका, इसका संकलन निकाल दे अपन, बताओ क्या संकलन है इनका सबका, बताओ क्या, किस इसके पास क्या? सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, अरे ऐसा थोड़ी है, ऊपर नीचे वो मैंने मर्जी से कर लिया, ठीक है, सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, क्या समझ में आया? इसके पास कितना सिग्मा है? एक ही है तो चार सिग्मा है। अरे हाँ हाँ, मतलब ये ऐसा है, समझ में आया? और फिर ये इसके पास कितने? तो इसके पास 0 पाई, इसका मतलब क्या हो गया? sp3। अब देखो इसके पास 2 पाई है, ये देखो एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, इसके पास भी एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, तो ये रहा। फिर ये एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, फिर यहाँ पे सी, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन। क्या ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है कि नहीं? चलो अब पेन दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा? एक पाई है कि नहीं इसके पास? देखो इधर तो सिग्मा है, पर एक पाई इस साइड है कि नहीं? दोनों को बराबर रखे कि नहीं? इसका क्या हो गया? sp2। इसका sp2, क्योंकि इसके पास भी तो ये पाई है कि नहीं है भाई? दोनों के बराबर रास्ता है, इसके घर जाने और इसके घर जाने में, तो यहाँ पे पाई पड़ा है, तो दोनों का हक बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसके पास भी एक पाई इस साइड तो नहीं है, इस साइड तो है, तो क्या हो गया? sp2 sp, एक पाई इधर और एक पाई, क्या संकलन हो गया? और इधर बताओ sp2, इधर इधर sp, 2 पाई है कि नहीं? इधर भी क्या हो गया? sp, इधर भी sp, इधर भी, क्या समझ में आया? अब बताओ यहाँ पर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं, क्या देखते हैं? अतिव्यापक। ये कौन सा? इसका संकलन क्या? sp3 है, तो ये कौन से हो गए? sp3s से, तो ये भी तो सेम होगा कि नहीं होगा? और ये भी तो सेम होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ये कौन सा? इसका तो sp3 है, इसका कौन सा होगा? sp2, तो sp3sp, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? sp2s है कि नहीं? अरे समझ में आया? ये बताओ ये कौन सा? इसका भी sp और इसका भी sp, तो sp2sp2, सॉरी इसका भी sp2 और इसका भी sp2, तो sp2sp2 होगा कि नहीं होगा? तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई? ये भी sp2s। अब बताओ इसका संकरण क्या है? sp है कि नहीं? तो ये भी बॉन्ड किससे बना है? sp2 से sp2 से, सही है कि नहीं भाई? इसका संकरण sp2 है कि नहीं? तो ये भी इसको, ये भी sp2 लेके आएगा, ये भी क्या लेके आएगा? sp2, तो ये किससे बॉन्ड बना हुआ है? sp2s। अब बताओ इसके पास कौन सा? इसके पास ये बॉन्ड किससे बना, बताओ? ये बॉन्ड, तो इसका तो sp2 है और इसका कौन सा हो गया? sp, तो sp2sp। अब ये किससे बना? यही सेम sp2p, अरे है कि नहीं है? अब ये किससे बना है? देखो इसका तो क्या sp2 है, इसका कौन सा? sp3, तो ये कौन सा हो गया? p2sp3। ये कौन सा है? इसका sp और इसका क्या है? sp3, तो sp3sp या sp sp3, है कि नहीं? अब ये कौन सा बना है? ये तो sp से किससे बना है, तो ये भी किससे बना है? sp से, और ये भी किससे बना है? sp sp से। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये हाइड्रोजन किससे बना हुआ? sp3s से। पता चला ओवरलैपिंग? अरे पता चला ना। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड के कितने प्रकार के ओवरलैपिंग है? देखो एक दो कौन सी है? sp3s है, एक sp3sp है। देखो जो प्रकार है, मैं उसे ऐसा, ये वाला एक प्रकार के हुए कि नहीं हुए? पीले वाला देख लो कहाँ sp, ये रहा, अरे है कि नहीं? अब दूसरा कलर लेके आता पिंक वाला, sp3sp sp3sp sp2 है, ये sp2 है, नहीं ये गड़बड़ किया आपने, ये रहा। तो अब देखो इस, बोला सही था क्या? पता आप गलतमती हो जाती है। और कहाँ है बेटा ऐसा कुछ है? ये रहा, ये है ना, ये वाला, और है कोई नहीं?
अब देखो और कौन सा ले लेते हैं, ब्लैक वाला ले लेते हैं। ये रहा देखो sp2s, ये भी sp2s और ये भी sp2s, और कहीं है क्या sp2s? कहीं नहीं, कहाँ? हाँ नहीं, हाँ देखो अब दूसरा लेते हैं, कहाँ पड़ा है बताओ। ये देखो sp2 और ये रहा sp2, और कहीं है? अरे है क्या? नहीं, और कलर कम पड़ रहे हैं। ये देखो sp2 sp, ये रहा sp2 sp, इधर अब देखो उधर ग्रीन कर देते हैं। ये कौन सा sp sp, ये भी sp sp, ये भी sp sp, ये रह गया, ये रहा। अब कितने कलर के हो गए, कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 ही है ना, अच्छा 7, कितने हो गए बेटा? 7। कोई डाउट है क्या? नहीं। पक्का? चलो अब ये तो जनता खुद करेगी या मैं करूं? कर ही लेते हैं, संकट निकाल लेते हैं, बाकी आप वो ओवरलैपिंग आप करना, ठीक है ना? कौन कौन सी है, ठीक है, कर लोगे ना? पक्का? नहीं है तो पूछ लेना मेरे को, ठीक है ना? वो पूछोगे तो आप नहीं है, ठीक है? पता नहीं मेरे से डाउट पूछने छोरो क्या है, पता नहीं इसे नहीं पूछे, क्या बताइए पहले पुराना पूछ ले दो, कि ये बताइए कैसे करे, है ऐसा होता है ना, है डर लगता है? नहीं, नहीं। तो क्या है इसके, क्या संकरण बताओ, sp3 इधर बताओ, अब इसका भी sp3, इसका क्या है, एक पाई, ये देखो सिग्मा और ये पाई, संकरण क्या हो गया sp2, इसका sp3, इसका p2 और इसका भी sp2, कैसे समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब सेकंड है इलेक्ट्रॉन युग्म विधि, किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन युग्म विधि या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, जिसको बोलते हैं ईपी, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं? ईपी, या अपन दर्शाएंगे एन से, किससे दर्शाएंगे बेटा? एन से, ठीक है? इधर देखो तो अपन देखो ईपी या एन वो होता है सिग्मा बीपी प्लस लॉन पेयर, क्या होता है? सिग्मा बीपी प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बीपी मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर, कौन सा बेटा? सिग्मा बॉन्ड पेयर, हिंदी में बोले बंद युग्म, हिंदी में क्या बोलेंगे? बंद युग्म। दूसरा है लॉन पेयर, लॉन पेयर हमेशा कौन सा लेंगे? लोकलाइज्ड लॉन पेयर लेंगे, क्या होता है आगे बात करेंगे, अभी तुम यूं ही करना कि भाई लॉन पेयर लेंगे, क्या लेंगे बेटा? लॉन पेयर, और वो कौन से होते हैं? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपन लॉन पेयर कहते हैं कि नहीं कहते, ठीक है? और स्थानीकृत के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अपन लॉन पेयर लेंगे, ठीक है ना? अब स्थानीकृत क्यों लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे आगे थोड़ी देर के लिए, समझ में आया क्या? चलो अब अपन देखो सिग्मा बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे बाद, भाई ये दोनों अपन को पता चल जाए तो अपने आप संकरण निकाल देंगे। यदि किसी का ईपी मान ईपी बराबर 1 आ रहा है, ईपी या एन कितना आ रहा है? 1, और या कितना आ रहा है? 2, सॉरी गलत एन लो, यदि ईपी कितना आएगा? 2, क्योंकि संकरण हमेशा दो कक्षों से मिलकर बनेगा, एक कक्ष क्या संकरण होगा क्या? 2, ठीक है ना? ईपी क्या होता है? संकरित में, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, ठीक है ना? अब देखो तो यहाँ पे 2, तो इसका संकरण होगा sp, क्या होगा बेटा? यदि किसी का ईपी कितना आ रहा है? 3, तो उसका संकरण क्या होगा? sp2। यदि किसी का ईपी कितना आ रहा है बेटा? ठीक है, ईपी कितना आ रहा है? 4, तो उसका संकरण क्या हो जाए? sp3। अब बाकी वाली कहानी आपको पता है, बॉन्ड एंगल कितना, क्या समझ में आ गया क्या? तो अपन को ईपी यदि पता चल जाए तो अपने उससे संकरण पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो अपन ईपी या क्या निकालना है अपन को? एन, क्या निकालना बेटा? एन। ईपी या एन पता चल जाए तो अपन उसका क्या निकाल सकते हैं बेटा? संकरण निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? संकरण। क्या समझ में आया? चलिए बात करते हैं आगे। तो अपन देखो सिग्मा बीपी ज्ञात करने का तरीके क्या है? तो सिग्मा बीपी बराबर होता है केंद्रीय परमाणु जिसका अपन संकरण निकालते हैं, वो तत्व या परमाणु, उसको अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु बोलेंगे, के चारों ओर केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल परमाणु या समूहों की संख्या, वो उसका क्या होगा? सिग्मा बीपी। क्या होगा? सिग्मा। अब बताओ इसके पास कितने सिग्मा बीपी, इसका निकालना सिग्मा बीपी। तो देखो इससे ये एक जुड़ा हुआ है कि नहीं, सीधा ये भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, और ये पूरा जुड़ा हुआ है कि नहीं, समूह है कि नहीं, क्या ये हाइड्रोजन दोनों सीधे जुड़े हुए हैं? नहीं, ये सिर्फ इसमें सीधा कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो यहाँ पे सिग्मा बीपी कितना हो? 1 2 और 3, कितने हो गए? अब इसके काउंट करते हैं दूसरे वाले के, तो इसके काउंट करना है, तो इसका सिग्मा बीपी निकालने के लिए एक हाइड्रोजन ये रहा, क्या ये दोनों जुड़े हुए सीधे? नहीं, ये पूरा समूह जुड़ा हुआ इसके साथ, तो कितने हो गए ये? इसका भी कितना हो गया? 3। क्या कोई प्रॉब्लम है? पक्का सिग्मा बीपी समझ में आया? चलिए अब इसका ज्ञात करते हैं, इसका
इसका बताओ सिग्मा भी इसका संकर निकालना है तो कितना सिग्मा भी इसका, अरे चार है कि नहीं ये समूह, तो इसका सिग्मा भी कितना होगा सीधा चार। कैसे, इधर देखो ये रहा कार्बन, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ सी एस थ्री, क्या जुड़ा हुआ है CS3. इधर भी सी एस थ्री, इधर भी सी एस थ्री, इधर भी सी एस थ्री। तो देखो तो इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हुए, चार जुड़े हुए कि नहीं, तो सिग्मा भी कितने हो गए चार। इस कार्बन के कितने बताओ रे, चार। कैसे देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए, तो एक ये रहा, ये दो, ये तीन और ये चार, तो इसके भी सिग्मा बीपी कितने होंगे चार। मतलब इन सब के इसके भी सिग्मा बीपी कितने होंगे चार, इसके भी सिग्मा बीपी चार, इसके भी सिग्मा बीपी चार। समझ में आया क्या, और इसके भी सिग्मा बीपी कितने चार। कोई डाउट है, अब बताओ इसके सिग्मा बीपी बताओ इस कार्बन के। देखो ये रहा एक और ये दो, सिग्मा बीपी कितने, तो दूसरे वाले कार्बन के बताओ बेटा, एक और ये पूरा दो, तो इसके भी सिग्मा बीपी कितने होंगे, सिग्मा बीपी बराबर दो। अपन अभी सिग्मा बीपी निकाल सीख रहे, संकरण नहीं आया, सिग्मा बीपी निकाल के रहेंगे तो फिर संकरण पता चलेगा। समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब देखो इसके पास ये बेंजीन है, इसका नाम क्या बेटा, नाम तो सुना ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है C6H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो क्या इसके पास एक हाइड्रोजन है कि नहीं है इधर, अरे ऐसा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, भाई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, जहाँ जहाँ पीक पॉइंट होता है वहाँ पे कार्बन होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना भाई, ये ऐसा कैसे बनाया ऐसा अपने, ठीक है ना। चलो अब देखो इसके सिग्मा बीपी काउंट करो, देखो ये तो एक, क्या ये दूसरा पूरा समूह ऐसा है कि नहीं, ये दो और एक इस साइड वाला तीन, अरे है कि नहीं है, एक तो ये वाला समूह देखो इस साइड वाला ये और एक इस साइड वाला है कि नहीं, देखो देखो ये रहा एक, ये दो और ये तीन, तो प्रत्येक कार्बन का सिग्मा बीपी कितना है तीन, तो सिग्मा बीपी बराबर कितने हो गए तीन, कितना हो गया तीन। कोई डाउट है, तो प्रत्येक कार्बन का यहाँ पे सिग्मा बीपी कितना है तीन। चलो अब इसका तुम बताओगे खुद, है ही नहीं। चलो तो आप देखो अपने को निकालना लॉन पेयर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बेटा, कैसे लॉन पेयर ज्ञात करता, आइए सीखते हैं। तो देखो लॉन पेयर क्या होता है, कि केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, वो अपनी होगा लॉन पेयर, वो क्या होगा लॉन पेयर, ठीक है। अब देखो लॉन पेयर की सीए के ऊपर गणना, मतलब केंद्रीय परमाणु के ऊपर लॉन पेयर की अपन कैसे गणना करेंगे पहले उसमें सीखते हैं। यदि कार्बन के पास, पहला पॉइंट है, यदि कार्बन के पास पाई बंद है, क्या है बेटा पाई बंद है, या कार्बन के ऊपर क्या है बेटा धनात्मक आवेश है, कैसा है बेटा धनात्मक आवेश, तो कार्बन के ऊपर एक, या क्या है कार्बन के ऊपर क्या है एक विषम इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा एक विषम इलेक्ट्रॉन, मतलब एक डॉट पड़ा ऊपर, विषम इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन के ऊपर ऐसा लिखा होगा ये डॉट, ठीक है ना। इसको अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक, क्या बोलते हैं बेटा मुक्त मूलक है, उपस्थित है तो लॉन पेयर हमेशा वहां पे कितना मानेंगे जीरो, कितना मानेंगे जीरो। सेकेंड कंडीशन, यदि कार्बन के पास ऋणात्मक आवेश है, कैसा है आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के बराबर क्या होंगे लॉन पेयर। अब बताओ यहाँ पे लॉन पेयर कितने बताओ इस कार्बन के पास, जीरो है कि नहीं भाई, है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो कितना हो गया जीरो। इस कार्बन के पास देखो, इसके पास भी क्या हो गया जीरो, भाई इसके पास भी कितना हो गया एसपी, क्या लिख रहा हूँ मैं एलपी लिखना है, क्या लिखना बेटा दूसरे पेन स्पाइड से लिखते हैं ताकि दिखेगा, एलपी यहाँ पे भी कितना है जीरो। इसका बताओ इसका एलपी जीरो, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है कि नहीं, अब तो पाई बॉन्ड है तो एलपी बराबर कितना हो गया जीरो। इसका भी क्या हो गया एलपी बराबर जीरो। इसका बताओ सेम कहानी, एलपी बराबर जीरो। इसका भी जीरो, एलपी बराबर, ठीक है समझ में आया। देखो नेक्स्ट, इसका एलपी बताओ इसके पास एलपी बराबर जीरो है कि नहीं, एक ये फ्री रेडिकल है कि नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इसका एलपी बताओ यहाँ पे एक, एलपी कितना हो गया एक, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तो एलपी कितना हो गया एक। इधर बताओ इसके पास एलपी बराबर कितना है जीरो, इसके पास एलपी, इसके पास एलपी बराबर कितना है एक, कितना है बेटा एक, इसके पास एलपी बताओ एलपी बराबर एक, इसके पास एलपी पूछे तो इसके पास जीरो है, ठीक है। इसके पास कितना है एलपी बराबर, एलपी बराबर एक, यहाँ पे एलपी बताओ जीरो जीरो, यहाँ सबके पास जीरो है कि नहीं, इस अपन पॉजिटिव वाले लिखते हैं, यहाँ पे एलपी कितना है जीरो। अच्छा ये हो गया, चलो अब देखो एलपी पता चल गया, अब इनका बीपी भी निकाल दे अपन, पर इसका बीपी कितना है, इसका बीपी देखो देखे
इसका सिग्मा बीपी निकालो, देखिए कितना है, तीन है कि नहीं है, तो सिग्मा बीपी तीन, एलपी जीरो, तो अपन देखो ईपी क्या होगा, ईपी बराबर क्या होता है, सिग्मा बीपी प्लस एलपी, निकालते कि नहीं निकालते, तो इसका कितना हो गया देखो, तीन प्लस जीरो बराबर कितना आया, तीन, और तीन का संकरण क्या होता है, टू, क्या हो गया, तो इसका संकरण क्या है, टू। अब इसका निकालते देखो, देखो तो इसका देखो ईपी कितना है, ईपी देखो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये है कि नहीं, तो कितने हो गए ईपी, सॉरी सिग्मा बीपी कितना हो गया, एक और ये दो ही हुए ना, तो एक तो ये रहा एक ये, तो कितना होगा, दो, तो ईपी कितना होगा, दो प्लस एक बराबर कितना हो गया, तीन, तो संकरण क्या हो गया, एस पी टू। अब सबका निकाल लोगे संकरण पक्का, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का निकाल लोगे ना, कोई डाउट है क्या, इसका बताओ क्या होगा संकरण, सिग्मा बीपी कितना है इसका बताओ, तीन हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इसका सिग्मा बीपी कितना हो गया, तीन, तो ईपी कितना होगा बेटा बताओ, तीन प्लस जीरो बराबर तीन, संकरण क्या है, एस पी टू। क्या समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, इसका निकालो, देखे इसका ये देखो, दो तो ये रहे और एक ये रहा कि नहीं रहा, तो इसका सिग्मा बीपी कितना होगा, तीन, तो अब देखो ईपी कितना होगा बताओ, देखो तीन प्लस एक बराबर कितना होगा, चार, और चार का संकरण क्या हो गया, एस पी थ्री। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है पक्का, कौन सा ये, इसका भी निकाल दे रहे हो ना, कुछ कौन मना करे, मैं तो इसका संकरण निकाला हमने, तो समझ आ रही बात, एक कार्बन का मैंने निकालना सिखाया तुम्हें, अरे समझ में आ रहा है, सबके अलग अलग होंगे संकरण, सेम हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, मैं तो एक का निकालना सीख रहा हूँ भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे निकाले लॉन पे, बाकी तो सीधा निकाल दोगे ना, इसके पास देखो कोई एक पाई पॉइंट, ठीक है ना, भाई पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है लॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो अपने सीधा निकाल दो पाई सिग्मा से निकाल दो सीधा, अरे समझ में आई है, वहां पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों सिग्मा ई पी बी पी कर रहे हो, अरे समझ आ रही बात, चलो इस साइड देखो, ये तो पॉजिटिव वाले, इस साइड देखो, इसका देखो, इसका तो तुम्हें पता चल गया एसपी है, इसका देखते हैं, तो इसका बीपी कितना है, एक है कि नहीं, अरे सिग्मा बीपी कितना है, एक, तो ईपी कितना हो जाएगा, एक प्लस एक बराबर दो, तो क्या हो जाएगा संकरण, एसपी, क्या हो जाएगा, इसके पास कितना है सिग्मा बीपी, दो, तीन, तीन, कितने बेटा, तो देखो सिग्मा बीपी तीन है तो ईपी कितना हो जाएगा, तीन प्लस एक बराबर चार, तो संकरण क्या हो जाएगा, एसपी थ्री, क्या हो जाएगा, कोई डाउट है क्या, नहीं, ठीक है, अब इसका बताओ सिग्मा बीपी कितना है, तीन, सिग्मा बीपी कितना है, तीन, सिग्मा बीपी तीन है तो ईपी कितना हो जाएगा बताओ, तीन प्लस जीरो बराबर चार, सही है, तीन है, संकरण क्या हो जाएगा, टू। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, पक्का, किसी प्रकार का, इस साइड दो, इसका बाकी वालों को निकाल दोगे, इसका देखो इसके पास जीरो पाई, इसका संकरण क्या हो गया, एस पी थ्री, इसके पास एक पाई तो एस पी टू, इसके पास दो पाई तो क्या हो गया, एस पी, इसके पास एक पाई तो क्या हो गया, टू, इसका निकालना है। अब देखो इसके पास देखो दो तो ये रहे और पूरा ये क्या होगा, एक होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके पास सिग्मा बी पी बराबर कितना हो गया, तीन, तो ई पी कितना होगा, तीन प्लस जीरो बराबर तीन, तो क्या हो गया, टू। कोई डाउट है, पक्का, एक बार देख लो अच्छे से, वो डाउट तो मेरे को अभी अभी पूछो, पानी पिला है क्या, अरे वो तो देख लो, नहीं है पक्का, ये 18 पेज हो गए, टाइम क्या हो गया, 5:30 हो गया, चलो अब जल्दी करते हैं, ये हो गया या आज यहीं तक करके, खूब है, इतना खूब है, चलो ये कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है।